मंजिलें हो चाहे जितने पर राह सबकी एक। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के तिथि पे राज्योत्सव के पावन अवसर पर उपस्थित आदरणीय महामहिम राज्यपाल महोदय, हम सबके बहुत ही सम्मानी मुख्यमंत्री श्री भूपेश जी, बहुत ही आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महान जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष भाई धर्मलाल कौशिक जी, हमारे वरिष्ठ मंत्री आदरणीय ताम्रध्वज भैया, सम्मानी अकबर भाई, आदरणीय डॉक्टर प्रेम साय सिंह जी, डॉक्टर शिव डहरिया जी, सम्मानी गुरु गोसाई रुद्र कुमार जी, सम्मानी भाई अमरजीत जी, सम्मानी उमेश पटेल जी, आदरणीय अनिला भेड़िया जी, यहाँ मंच के सामने उपस्थित बहुत ही सम्मानी सत्तू भैया, आदरणीय राजेंद्र भैया, सम्मानी बैजनाथ भैया, प्रदीप भैया, सम्मानी रामगोपाल भाई, आदरणीय शर्मा जी, दोनों सांसद राज्यसभा छाया वर्मा जी, फुल्लो देवी नेताम जी, लक्ष्मण भैया, आदरणीय सलाम रिजवी जी, किरणमयी नायक जी, बैजनाथ भैया, उपस्थित गणमान्य नागरिक गण, जिन्हें बहुत ही सम्मान से आज अलंकरण सम्मान में अलंकृत किया गया, सभी आदरणीय महानुभाव गण, सम्मानी मंडल साहब, आदरणीय अवस्थी साहब, सभी सम्मानित अधिकारी गण, पत्रकार मित्रों, देवियों तथा सज्जनों, हम सब के लिए बहुत ही आज खुशी के दिन है। कोविड के चलत में माननीय मुख्यमंत्री जी मंत्रिमंडल के बैठक में विचार करे पर बात रखी कि इधरी राज्योत्सव कैसे मनाया जाए, हमन कह रहे बहुत संक्षिप्त होना चाहिए, लेकिन दो सत्र के राज्योत्सव के कार्यक्रम आज संपन्न हो से बहुत सौभाग्य। पहली सत्र में हमार सर्वमान्य नेता आदरणीय राहुल जी हमारे साथ जुड़े रही से ओखर संबोधन हो से छत्तीसगढ़ के कार्यक्रम, छत्तीसगढ़ के विकास, छत्तीसगढ़ के होने वाला समृद्धि के काम माननीय मुख्यमंत्री के हाथ में जतका हो थे, जा आज राहुल जी के द्वारा ओला प्रशंसा करेगी। मैं आदरणीय भूपेश जी ला बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। अभी आदरणीय महामहिम जी आशीर्वचन के शब्द कीस, वो हमारे छत्तीसगढ़ के विकास के जतका काम माननीय मुख्यमंत्री और ये सरकार के द्वारा करे जाते ओकर प्रशंसा करीस। आज बहुत ही सम्मान के साथ अलंकरण समारोह में जो जो हमार माननीय अलंकृत होइने महानुभाव ओमल में बधाई देना चाहता हूँ। पहला सत्र में राहुल जी के जुड़ना, दूसरा सत्र में महामहिम और हमार विधानसभा अध्यक्ष जी के जुड़ना, हमार राज्योत्सव जो संक्षिप्त करबो करके सोचे रहें ओखर से भी काफी बृहद कार्यक्रम आज आप सबके सामने होए। छत्तीसगढ़ के विकास के बारे में जो सारा देश में चर्चा होते, छत्तीसगढ़ के कार्यक्रम के बारे में सारा देश में जो चर्चा होते ओकर बारे में आदरणीय मुख्यमंत्री जी आपके सामने अभी अपन बात ला रखी से, और हमन उम्मीद करथन अभी केवल 20 साल के हमार छत्तीसगढ़ हो है, तेमा 2 महीना कम 2 साल हमार कांग्रेस के सरकार बने हो है, और ये केवल 22 महीना के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ के विकास के जितना सपना हमन देखे रहे वो सब सपना पूरा करे के प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा और आप सबके आशीर्वाद से कांग्रेस सरकार के द्वारा करे जाते। ये अवसर पे आप सब उपस्थित हो सबके प्रति आभार व्यक्त करत हुए, जेखर जेखर सम्मान होए उकर प्रति भी सम्मान के शब्द और अभिनंदन करत हुए फिर से यहाँ जत का उपस्थिति होए सब ला हृदय से आभार करत हूँ। और गढ़वो नवाज छत्तीसगढ़ के जो नारा माननीय मुख्यमंत्री दे, आप सबके आशीर्वाद से आने वाला समय छत्तीसगढ़ के विकास करबो, ई भावना के साथ अब ये कार्यक्रम के समाप्ति के घोषणा करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद।